इनका आइडिया ऑफ इनोवेटर और इनका आइडिया ऑफ इकोनॉमिक फ्लो और इनका साथ ही आइडिया ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन तीनों को समझने के लिए हमें बहुत गौर करना पड़ेगा मैं आराम से चलना चाहूंगा। वो ये कि सबसे पहले आप समझे कि ये इनोवेशन क्या है इन्होंने कहा कि ये इनोवेटर्स जो हैं ये इकोनॉमिक फ्लो को तोड़ देते हैं अच्छा वो कौन सा इकोनॉमिक फ्लो फॉर एग्जाम्पल आ, मैंने जैसे आपसे पहले बात की थी एक मनोपली डिजाइन हो जाती है आपने आ, कुछ अरसे में सुना होगा कि किसी एक चीज की किल्लत पैदा हो जाती है मसलन अब उस किल्लत का तोड़ अगर वो निकाल लें फॉर एग्जाम्पल गंदम की किल्लत कपास की किल्लत चीनी की किल्लत इन अगर तीनों चीजों में कोई किल्लत पैदा हो गई और इसको तब्दील करना है तो ये इनोवेटर क्या सोचेगा पहला जो इकोनॉमिक फ्लो चलता हुआ यानी फॉर एग्जाम्पल वो फ्रीज हो चुका था यानी एक सदी चलता रहा या दस साल बीस साल पच्चीस साल वही मार्केट के लोग थे वही दरमियान में मिडलमैन थे वही दरमियान में मार्केट तक पहुंचाते थे यानी मार्केट उनकी थी अब तीसरा एक आइडिया आ गया और उसने कहा कि ये जो शुगर है शुगर का अल्टरनेट भी कोई हो सकता है और ब्राउन शुगर की तरफ भी आया जा सकता है स्वीटनर्स की तरफ भी आया जा सकता है जब ये आइडियाज आए तो इसका मतलब है कि वो इकोनॉमिक फ्लो को तोड़ेगा तो ये उस जमाने में ये बात कर रहे हैं कि जिस वक्त जो एक चीज चल रही है और वो स्टैंडर्ड बन चुकी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता यानी रिवायत बन चुकी है एक रिवायत को नए तरीके से जब कोई तोड़ते हैं तो फिर जब तोड़ने वाली चीज को हम मिसाल कहते हैं अच्छा आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक फ्लो कैसे तब्दील हुआ है जी इसमें सबसे पहले देखें इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स को लेकर आए देन ही टॉक अबाउट द इनोवेशन इन अ नोवल मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने अर्ज किया आपको एक प्रोसेस है जिसके पांच से जॉब्स हैं अब वो ये कहते हैं फॉर एग्जांपल टिश्यू बनाने का एक प्रोसेस है तो ये बनाने के नॉर्मली बारह से पंद्रह हुआ करते थे यानी गत्ते से बना करती थी फिर गत्ते से क्या होता था बुरादा होता था बुरादे के बाद उसका जो है बैड पैचेस आते थे फिर उसको और रफ मटेरियल जो है उसको मिलता होता था इसको कई दफा हम टाटरी भी कहते हैं भूसे से भी बना करता था अच्छा अब ये सारी चीजों को मिक्स करके उसके प्रोसेस को छ पे ले आए छः से चार पे ले आए इस प्रोसेस को फास्ट होने से जब वो पेपर की शक्ल में आए तो कहा कि सेकंड स्टेप तक जो जाएगा उससे आपके टॉवल पेपर बन सकते हैं फिर आपके जो फेस वॉश करने के लिए या उसके बाद उसको खुश करने के लिए जो टिश्यूज यूज होंगे वो और तरह के होंगे सो हम मुख्तलि प्रोसेस के अंदर से भी प्रोडक्ट अगर निकालना शुरू कर दें तो एक तो कॉस्ट कम हो गई उसके अंदर हमारा स्कोप वाइडर हो गया प्रॉफिट बढ़ गया अच्छा ये जो इंपॉर्टेंट बात थी इसको शंपीटर कहते हैं कि इन मैथड नॉवल मैथड यानी आइडियाज के अंदर तब्दीली को भी उन्होंने इसके अंदर इंटरटेन किया तीसरे के अंदर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो शंपीटर साहब हैं एक तरफ के लगता है जो क्रिटिक्स हैं इनके वो ये कहते हैं कि शायद ये इसको इतना सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन वो जब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जैसे इंडक्शन है One one लेकिन अगर मैं कहूं वन प्लस टू इलेवन तो ये आइडिया ऑफ एनर्जी बन जाएगा तो बेसिकली नह, चा, चार सौ लोग काम कर रहे हैं या, वहां अगर सिर्फ चार लोग काम करते हुए उस आइडिया को टेक्नोलॉजिकल बेस कर देते हैं ह्यूमन रिसोर्सिस कम कर देते हैं कॉस्ट ऑफ को और कम कर देते हैं और मार्केट के अंदर सस्ती चीज को लेकर आ जाते हैं क्वालिटी भी बढ़ा देते हैं मसलन आपके सामने आज के जमाने में चाइना की बेशुमार प्रोडक्ट्स आ गए एक ही की एक ही ही टाइप टाइप की की प्रोडक्ट प्रोडक्ट तक भी है और उसकी को बढ़ा दिया गया सो so, इसका मतलब है कि न्यू मार्केट दे कैन ओपन अप द न्यू मार्केट वो नई मार्केट को तलाश करते हैं तीसरा हम देखते हैं कि of of material, जिस पर मैंने अरबी आर अर्ज कर दिया कि वो उन रिसोर्सेस को अलग अलग और डायरेक्शन से तलाश करते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है अब हम देखते हैं जमाने में सिर्फ एक के दो फैक्ट्रीज हुआ करती थी जो कि आपके टिश्यू पेपर्स के अंदर थी मैंने दो तीन दफा एग्जाम्पल दी फिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर गवाला दूध

और वो जो दूध है वो जब आप तक पहुंचेगा वो हाइजेनिक होगा अब हम उस गवाला दूध से मार्केट शिफ्ट होकर थ्री सिक्सटी थ्री डिग्री 360 डिग्री आपको टर्न करके इधर ले आई अब ये एक नई इनोवेशन थी अब ये पूरी सप्लाई चेन को तब्दील करने वाली मार्केट बन गई इस तरीके से एक इंडस्ट्री तब्दील हो सकती है इसी तरह टिश्यू की मार्केट के बारे में बताया वो पहले मार्केट आपकी पूरी मार्केट का 80 टू 90 परसेंट एक कंपनी कम, कवर करती थी लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपकी डिमांड बढ़ गई अब ये प्रोडक्ट नहीं रहा अब आप ये आपकी कमोडिटी बन गई कि एवरीडे डे यूज बन गया अब टिश्यू यूज करने हुए अब आपकी वालदा जो है वो आपके हाथ पे नहीं मारती तुम टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हो so, सो इसका मतलब ये है कि अब आप ये नॉर्मल हो गया और जब नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो वो आपकी एफ में चली जाती हैं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड अच्छा अब शम्पीटर साहब को हम तेज़ी से समझने की कोशिश करते ताकि हम उस आइडिया तक ले आए और बाकी नोट्स में भी इसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे आगे देखते कि इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट के बारे में वो कहते हैं कि इट गिव्स न्यू प्रोडक्ट विद हाई क्वालिटी एंड द बेटर यूटिलिटी दैट आई हैव मैंने यही बात की कि लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सब एग्जाम्पल्स में की वो लोअर द प्रोडक्शन लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देन द ओपनिंग ऑफ द न्यू मार्केट इट गिव्स यू द डिस्कवरी एंटरप्रेन्योर को शम पेटर साहब एडवेंचरस कहते हैं वो कॉन्करर कहते हैं वो कहते हैं कि ये वो शख्स होता है जो कि एक नई दुनिया को आबाद करना जानता है एक नए सुराख से नए कायनात को देखना जानता है एक नई आंख रखता है और नई आंख से नए नजारे देखना जानता है हम आगे देखते हैं कि आंट्रप्रन के ऊपर माइट फाइंड न्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल देन इज द कमर्शियल एक्टिविटीज वो किस तरीके से उसको डोमेन में लेकर आता है एंड देन वॉट कम्स टू द रेफर टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री मैंने आपको जैसे अर्ज की कि इंडस्ट्री का डेवलप होना और इंडस्ट्री को डिजाइन होना और उसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि और वो वो कैटलिस्ट होता है इसको फाइनल टर्म में वो कहते हैं कि ये आपका कैटलिस्ट होता है अब इस कैटलिस्ट के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर मैं मैकडोनल्ड की ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दे चुका और उसमें आप देखते हैं कि कहाँ से वो स्पीड ऑफ प्रोडक्ट शुरू हुई थी और फिर उसने एक फास्ट फूड चेन्स का कांसेप्ट दे दिया और उस फास्ट फूड चेन ने uh, उसको आइडियाज uh, को बढ़ाता चला गया फ्रेंचाइज बनना शुरू हो गई और पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड मैकडोनलाइजेशन बन गया और ग्लोबलाइजेशन से बड़े कॉन्सेप्ट को जब फ्रेंचाइज की बात आती है उसने पूरी मार्केट को तब्दील कर दिया यानी जो प्रोडक्ट मुझे यहां मिलेगा वहां कल्चर एटीट्यूड नॉ बिहेवियर्स और उसके ट्राइब्स के मुताबिक चेंज कर दिया एग्जाम्पल के तौर पर यहां देता जाऊं नाइनटीन थर्टी फोर में यह मैकडोनल्ड आज के अमेरिका के टेस्ट के मुताबिक डिफरेंट है दुबई अरब हमारा जु, जु, जुमेरा के अंदर अगर आप खाना चाहें इसका टेस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा आप अफ्रीकन साइड पर चले जाएं आपको इसका टेस्ट डिफरेंट मिलेगा पाकिस्तान में इसकी स्पाइसेस और डिफरेंट है इंडिया में आपको और तरह से मिल रहा है इसने बिहेवियर बिहेवियर, को साथ रखा इसका मतलब है कि जो बात मैंने आपको की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इनोवेशन आप कॉम्बिनेशन इन है और इस कैटलिस्ट की आइडियोलॉजी को समझिए पूरे स्टेक होल्डर्स को कवर कर रहा होता है Thank you very much and we will meet you next time with the fourth module. Thank you.